इनडिज़ाइन जो है वो क्या है, बुक कंपोजिंग का सॉफ्टवेयर है। जब भी आपको टेक्स्ट कंपोज करना हो, जैसे एमएस वर्ड है, इसी तरह जो है एडोब का जो है वो एडोब इनडिज़ाइन है, जो मल्टीपल पेजेस पे टेक्स्ट कंपोज करने के लिए यूज़ होता है। आप इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि आपके पास एक भी पेज होता है, फोटोशॉप में एक पेज होता है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो इन जनरल अगर हमने न्यूज़पेपर कंपोज करना है, या अगर कोई मल्टीपल पेजेस की 100-200 पेजेस की बुक कंपोज करनी है, एडजस्ट करनी है, पूरी बुक फॉर्म में बनानी है, तो फिर हम इनडिज़ाइन यूज़ करते हैं। बेसिकली ये क्या हो गया कि अब बुक कंपोजिंग का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिंगल पेज बनाना हो तो इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप यूज़ करेंगे, और जहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप से ही लेके आएंगे। स्टार्ट करने से पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यूनिट एडजस्ट करना पड़ेगा। यूनिट इस तरह एडजस्ट होगा कि एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में आके जो है वो यूनिट एंड इंक्रीमेंट, और यूनिट इंक्रीमेंट को चेंज कर लीजिएगा किसमें, इंचेस में, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पॉइंट्स में या फाइकस में होते हैं, इसको आप क्या करेंगे कि इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, या मिलीमीटर या सेंटीमीटर में। नई फाइल ओपन कर लेते हैं, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। कितने नंबर ऑफ पेजेस चाहिए हमें, सपोज कर लें अभी तो हम एक ही पेज पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज हम 10 पेज या जितने पेज नंबर ऑफ पेज चाहिए होंगे वो यूज कर लेंगे। साइज क्या होगा, A4 हो सकता है, या बुक के लिए यूज कर लेंगे तो 8x10 इंच हो सकता है, या कोई भी कस्टम साइज हो सकता है। ओरिएंटेशन क्या होता है, ज़्यादातर बुक्स जो होती हैं पोर्ट्रेट ही होती हैं, लैंडस्केप बहुत रेयर केस में बुक्स होती हैं। कॉलम स्टार्ट में नहीं देंगे, ये हम पेज के हिसाब से डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से दे देंगे तो जितने भी पेजेज होंगे उन सब पे जो है वो कॉलम डिफाइन हो जाएंगे, तो स्टार्टिंग में कॉलम देने का कोई खास फायदा नहीं। मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये जगह छूटी हुई होती है, अगर आप बाहर देखें कोई बुक देखें तो क्या होता है चारों साइडों में थोड़ी जगह छूटी होती है, बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। मेन जो चीज़ है वो क्या है कि आपको देखना है कि फेसिंग पेज क्या होता है, आमने सामने पेज जो होता है, जैसे अखबार होता है उसको अगर आप पूरा ओपन कर लें तो क्या होता है बीच से जो है वो एक ज्वाइंट होता है उसमें, यानी कि एक ही पेज होता है जिसमें लेफ्ट और राइट जो है ना वो लिखा हुआ होता है। इधर जितनी भी किताबें वगैरह होती हैं उन सब में आमने सामने प्रिंटिंग होती है। बहुत कम नोटबुक्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेज बाय पेज अलग अलग होती हैं, एक एक पेज अलग होता है लेफ्ट और राइट दोनों का, लेकिन 90-95% जितनी भी बुक्स होती हैं सारी फेसिंग पेज होती है, आमने सामने पेजेस होते हैं उसका, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम, अगर आप टेक्स्ट पे पहले ही पेज से काम शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले से यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ मिलेगा आपको, लेकिन अगेन कोई ख़ास ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा अभी कि क्या है, और इसको हम ओके कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये बेस्ट सेटिंग है, यहाँ से हम जो है ना आगे लेके चलेंगे। विंडो में जाइए, वर्क स्पेस में आएंगे और यहाँ से असेंशियल को रीसेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, तमाम चीज़ें जो है वो रीअरेंज हो जाएंगी। मैं ये वाला पैनल ओपन कर लेता हूँ और टूल बार ओपन कर लेता हूँ। टूल बार में हमारे पास जो पेजेस जो टूल्स हैं वो इस तरह हैं कि जैसे अगर हमने कोई एक रेक्टेंगल बनाना है तो सिंपली क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, ये आपका जो है ना वो एक रेक्टेंगल बन गया। इसका साइज और विड्थ जो है वो यहाँ पर भी डिफाइन हुआ हुआ होता है। अगर हम चाहें तो अपनी मर्जी का एक बॉक्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या 5x5 इंच का बॉक्स क्रिएट हो जाए। कलर इसमें कैसे आ जाएंगे, कलर यहाँ पे हमारे पास टूल बार में फिल और आउटलाइन का कलर होता है, डबल क्लिक करेंगे हम अपनी मर्जी का कलर कर लेंगे। इसकी आउटलाइन का कलर जो है यहाँ से डिफाइन हो जाएगा, लेकिन अगर आउटलाइन थिक करनी है तो हमें स्ट्रोक में आना पड़ेगा और उसका स्ट्रोक हम थिक कर सकते हैं। स्ट्रोक के कुछ अच्छे ऑप्शन हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो कुछ डॉटेड लाइन और ये सब चीज़ें भी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम के दरमियान में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एक लाइन, और इसमें मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन या यहाँ से इस तरह के डैश लाइन या वेवी लाइन इंसर्ट कर दूँ और स्ट्रोक थोड़ा इंक्रीज कर दूँ, तो ये देखें कॉलम के दरमियान के लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी जहाँ तक इनके ऑप्शंस की बात है, ये हमारा पॉलीगॉन है, इसको ऑप्शन इस तरह हैं कि अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, हम ये वाला टूल सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम है मूव टूल,
इसको क्या करना होगा कि आप इसको यहाँ से रिलीज कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इक्वली हो जाएगा, रोटेट भी जो है वो इस कॉर्नर से हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इसके पॉइंट्स को मूव करना है तो फिर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट ख़त्म करना होगा डिलीट नहीं करेंगे, पेन टूल यहाँ पे अवेलेबल होता है, पेन टूल के अंदर डिलीट एंकर पॉइंट टूल होता है, इससे हम रिमूव कर लेंगे। पेन टूल की यहाँ तक बात है, पेन टूल बाकी और सॉफ्टवेयर की तरह उसी तरह है कि अगर आप क्लिक करते रहेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनती रहेगी, लेकिन जब आप क्लिक ड्रैग करेंगे तो ये कर्व लाइन जनरेट कर देगा। इसके अंदर भी अगर आपको आउटलाइन चेंज करनी है तो फिर स्ट्रोक में आके चेंज कर लें, कलर चेंज करना है डबल क्लिक करके यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर लेंगे, फिल कलर चेंज करना है तो डबल क्लिक करके चेंज कर लें। कुछ स्वेचेस भी होती हैं, बने बनाए कलर्स होते हैं यहाँ पर। ये वाला देखें, ये वाला आइकन जो होता है ये किस चीज़ का होता है, ये प्रोसेस कलर का होता है। ये चार ऑप्शन दिए होते हैं, CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। लेकिन अगर हम खुद से कोई कलर बना रहे हैं, स्पॉट कलर, स्पॉट कलर क्या होता है, सिंगल कलर होता है, वो सिंगल ही कलर डलता है और सिंगल ही कलर प्रिंट होता है। बने बनाए स्पॉट कलर होते हैं या बना भी सकते हैं। जबकि प्रोसेस कलर में क्या होता है कि पहले सियान कलर की प्लेट गुजरेगी, कलर गुजरेगा, फिर दोबारा से सारा पेपर जो है दोबारा से लगेगा, फिर मैजेंटा कलर उसके ऊपर लगेगा। इस तरह चार दफ़ा जब प्रोसेस होके गुजरेगा तो आपका फाइनल कलर बनेगा। जबकि स्पॉट कलर में ये होता है कि एक बना बनाया कलर होता है, वो वैसे ही अप्लाई हो जाता है लोगो वगैरह के लिए या ब्रांडिंग जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जो है उसमें कुछ काम करके देखना चाहें, सपोज अगर हम इस तरह का कोई पेज, मैगजीन का पेज डिज़ाइन करना है, बुक का पेज डिज़ाइन करना है, तो वो किस तरह होगा इसको एनालाइज़ कर लेते हैं। जो टेक्स्ट जो है वो 5 कॉलम में है और वो ऑलमोस्ट पेज के सेंटर से शुरू होके बॉटम पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो पेज है उसकी हाइट कितनी है, 0 से शुरू हो रही है, 10 तक ख़त्म हो रही है। तो हम एक गाइडलाइन रेफरेंस के तौर पे चाहें तो बना लें, नहीं भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, वो ऐसा है कि आपको क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैं एक अंदाजे से नीचे से इतनी जगह छोड़ के ये इतना बना लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर लें टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। टाइप में जो है वो फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ये क्या होता है, एक तरह का डमी टेक्स्ट होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ऐसा कि यहाँ जैसे आपने यहाँ पे कुछ गार्बेज टेक्स्ट लिख दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम में डिवाइड हो जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन में आएंगे, कंट्रोल वी शॉर्टकट है। इससे क्या होगा, आप यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर सकते हैं, हमें 5 कॉलम में डिफाइन करना है, ठीक है। ये जो प्लस का साइन आ रहा है इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट अभी अवेलेबल है, इसके आगे है। तो या तो फिर हमें फॉन्ट जो है वो छोटा करना पड़ेगा, या फिर क्या होता है कि टेक्स्ट को कंटिन्यू करना पड़ता है, जैसे इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चला जाए टेक्स्ट, तो नेक्स्ट पेज के लिए एक तो नेक्स्ट पेज बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट एक ही पेज रखा था। तो नया पेज ऐसे आएगा कि आप चाहें तो यहाँ पे देखें पेजेस का प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दीजिए, एक नया पेज आ जाएगा। या फिर जो है वो आप क्या करें कि लेआउट में जाएं, पेजेस में आ जाएं, ऐड पेज करवा लें, एक पेज आ जाएगा। लेकिन मल्टीपल पेजेस ऐड करवाने होंगे तो फिर हमें इंसर्ट पेज में आना पड़ेगा, इंसर्ट पेज में 4-5 फिलहाल हमें एक ही चाहिए, पेज इंसर्ट करवा लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि वो टेक्स्ट कंटिन्यू हो जाए इस वाली जगह पे, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए आपकी मर्जी, एक कॉलम बनाए या पूरा ऐसे ही बना लें। और अब हम ये करेंगे कि इस वाले प्लस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने इस प्लस पे क्लिक किया देखिए मेरा आइकन चेंज हो गया, कर्सर चेंज हो गया। कर्सर को मैं लेके आऊँगा इस वाले बॉक्स के अंदर, देखें लिंक का निशान आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, वहाँ का जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको मजीद आगे एक्सपेंड कर दूँ तो वो क्या होगा, यहाँ पे आए कंटिन्यू होता रहे, ठीक है। तो ये है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन हो जाए, राइट अलाइन हो जाए, तो डबल क्लिक किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने से देखें ये अभी लेफ्ट अलाइन है, मैं इसको जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ, जस्टिफाई कर दिया तो क्या होगा, दोनों साइडों से ये बराबर हो गया।
ठीक है। अभी जो हमें कुछ नज़र आ रहा है ये क्या आ रहा है, इसमें गाइडलाइन जो है वो नज़र आ रही है। अगर मैं W प्रेस करूँगा तो W प्रेस करने से ये प्रीव्यू मोड पे आ जाता है, यानी कि जिस तरह प्रिंट आउट होने के बाद नज़र आएगा आपको उस तरह नज़र आएगा। तो टेक्स्ट हमारा एटलीस्ट इस तरह जैसा हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन हमने क्या करना है, इमेजेस पुट करने हैं इसके और ऊपर हेडिंग लगानी है। तो उसके लिए फिर हम ये करेंगे कि इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आपको एक कंटेनर बनाना होता है, चाहे आप इससे बना लें, चाहे यहाँ पे इस वाले रेक्टेंगल फ्रेम से बना लें, चाहे पेंडुलम से बना लें, एक ही बात है, ठीक है। हमने क्या किया कि ऊपर वाला हेडिंग की एरिया छोड़ने के बाद एक इमेज जो है वो एक कंटेनर जो है वो बना लिया। अभी मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाके यहाँ पे ऑप्शन है स्टेप एंड रिपीट, ठीक है, ऑल्टर कंट्रोल यू, ये आके हम जो है वो इसको चार से भी कम हो जाता है कि हम इसको चार कॉलम में, सॉरी हाँ चार कॉलम में डिवाइड करेंगे इसको, और हॉरिजेंटली थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं। एक हमारा पहले से था और चार जो है ये आ गए, थोड़ा सा मुझे इसके वैल्यूज में फर्क लग रहा है तो थोड़ा सा कम करना चाहते हैं हम इसको। ये 1.435 है 75, इसको जो है वो हम 30 कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अच्छी है, एडजस्टमेंट आ गई है, ओके कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इसमें इमेज कैसे प्लेस होगा, इमेज में फाइल में जाएंगे, इसको प्लेस करवाएंगे, और जो भी इमेज हम प्लेस करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करवा लेंगे, ठीक है। अब ये इमेज थोड़ा छोटा है, इसकी जगह पे हम बड़ा इमेज पिक कर लें ज़्यादा बेहतर है। इसको हम फिट भी कर सकते हैं, किस तरह, यहाँ सेंटर में क्लिक करेंगे, अभी अगर मूव कर रहा हूँ देखिए पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सिलेक्शन यस वाले टूल से, सिलेक्शन टूल से कर रहा है। अगर आप ये वाला टूल से रखे थे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये सेंटर वाला पॉइंट मूव हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि पूरा स्ट्रेच करके ये तस्वीर के साथ पूरा आ जाए, बस इतना हम रखेंगे कि जो है वो हमें नज़र आता रहे सही तरह और हमारे का काम जो है वो ठीक नज़र हो जाए। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक किया, कंट्रोल डी शॉर्टकट की है, दूसरा इमेज पिक कर लिया, इसके अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जितना आपको इसको रखना है वो रख लें। सही, इसी तरह कंटिन्यू जो है वो हम इन चारों में अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना के हेडिंग कुछ टाइप कर देंगे। फॉन्ट का कलर कैसे चेंज होगा, फॉन्ट सिलेक्टेड है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और कोई कलर चूज कर लें। और अगर आप चार में W प्रेस करता हूँ, W प्रेस करने से देखें हेडिंग इस तरह नज़र आ रही है, लेकिन मैं जा रहा हूँ कि ऊपर कुछ कलर भी आ जाए, तो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को नहीं सिलेक्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, और अब अगर मैं यहाँ पर कोई कलर दे दूँ तो वो क्या होगा, एज अ बैकग्राउंड आएगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए डबल क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसी तरह हमारे पास इमेजेस और ऐड कर लेंगे। ये क्या होगा, आपके पास एक डमी या एक सैंपल जो है वो इमेज जो है वो बन जाएगा। ये एक पेज का है, इसी तरह मल्टीपल पेजेस जो है वो अलग अलग डिज़ाइन के बना सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में भी हो सकता है, लेकिन अगर मल्टीपल पेजेस पर काम करना होगा और टेक्स्ट बहुत सारा होगा तो उसके लिए फिर इन डिज़ाइन लाजमी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे।